नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, गाजर, मटर और हरी मेथी तीनों ही सर्दी की सब्जियां हैं, तो चलिए आज बनाते हैं इन तीनों को मिलाकर एक टेस्टी सब्जी। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 गाजर जो कि 250 ग्राम के लगभग हैं, 150 ग्राम मटर के दाने, आधा कप मेथी पत्ते, आधा कप पानी, 2 चम्मच ऑयल, 2 चुटकी हींग, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर। सबसे पहले मैंने गाजर को धोकर छीलकर बारीक टुकड़ों में काट लिया है। मेथी के पत्तों को भी 3-4 बार पानी में धोकर बारीक बारीक काट लिया है। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। अब इसमें हींग डाल देंगे, राई, जीरा, इसको मिक्स कर लेंगे। राई जीरा चटक गए हैं। अब इसमें हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च, गाजर डालेंगे, मटर के दाने डाल देंगे, धनिया पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आधा कप पानी डाल देंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसको ढककर 20 मिनट के लिए पकने रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे और मेथी के पत्तों को डालकर अच्छी तरह से मिलाकर 10 मिनट के लिए और पकने रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें मेथी के पत्ते डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अभी गाजर अच्छी तरह से गले नहीं है, अब हम इनको 10 मिनट के लिए ढककर और पकाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे। अमचूर पाउडर पहले इसलिए नहीं डालते ताकि सब्जी अच्छी तरह गल जाए। अभी सब्जी गल चुकी है तो इसमें अमचूर पाउडर डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई कर लेंगे ताकि जो भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो भी अच्छी तरह से सूख जाए। अब गैस को बंद कर देंगे। गाजर मटर मेथी की सब्जी बनकर तैयार है। इसको आप गर्मा गर्म खाइए और खिलाइए। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट से बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।